जी हाँ, मैं डॉक्टर विपुल गुप्ता, मैं चीफ ऑफ हेड ऑफ इंटरवेंशन और को चीफ हूँ स्ट्रोक यूनिट आर्टेमिस हॉस्पिटल। आज के हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, अभी हमारे बड़े फेमस पुराने एक्टर मिस्टर चक्रवर्ती को स्ट्रोक हुआ है और लोग अभी भी कंफ्यूज है कि ये स्ट्रोक हुआ तो क्या हार्ट का असर आया, हार्ट के डॉक्टर भी इनको ट्रीट कर रहे हैं। तो पब्लिक में ये हम पहुँचाना चाहते हैं मैसेज, कैसे आप समझे कि हार्ट का अटैक है या ब्रेन का स्ट्रोक है, दोनों बिल्कुल अलग बीमारी है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। और बड़ा आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जल्द ट्रीटमेंट करके, जैसे हार्ट अटैक को आजकल स्टेंटिंग करके वो लोग मरीज को बचा लेते हैं, हम स्ट्रोक में भी स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, पर मरीज टाइम पर आ जाए, लेट आते हैं तो हम कर नहीं पाते। हार्ट के सिम्टम्स से सबको पता, मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा, चेस्ट पेन होना, घबराहट होना, पेन होना हाथ में, वो सब है। पर स्ट्रोक के सिम्टम में बताना चाहूंगा, बी फास्ट करके रिमेंबर करें आप। एफ का मतलब होता है फेस टेढ़ा हो जाना, ए का मतलब आर्म, हाथ ना चलना या पैर भी ना चलना, एस का मतलब स्पीच, बोलने में, समझने में या बोलने में दिक्कत होना, तो टी का मतलब है इमरजेंसी है। तो सिंपल बी बैलेंस गड़बड़ होना या आई आई से ना दिखना, ये भी शो के सिम्टम हो सकते हैं। तो बी फास्ट याद रखें, तो उसमें वेट नहीं करनी, उसमें ये नहीं सोचना यार इनको तो हाइपरटेंशन डायबिटीज तो सब में होता है उस एज में, स्ट्रोक वाले को भी जो वेट करना है, हाइपरटेंशन बीपी देख लें, बीपी की दवाई ले लें, ये सुन तो नहीं हो गया है, ये सब टी का मतलब है। टी का मतलब टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट में 20 लाख ब्रेन के सेल मरते हैं। आप जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे तो हम लोग या तो स्ट्रोक को रिवर्स करने के लिए, या तो एक छोटा क्लॉट है तो एक खून की नली में हाथ में इंजेक्शन दे रहे थे, थ्रोम्बोलिसिस का इंजेक्शन होता है जो क्लॉट को घोल के नली खोल देता है, बड़ा क्लॉट है या लेट आया तो हम पैर या हाथ की नली से जा करके ब्रेन में उस क्लॉट जो होता है, ऐसे डिवाइस है जो उस क्लॉट को फांस के ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं, तो ब्रेन की नली पूरी खुल जाती है, इसको कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। पर ये पहले जितनी जल्दी मरीज आएगा पहले घंटों में करेंगे तो हम नली को खोल के ब्रेन को बचा के ब्रेन को रिवाइव कर सकते हैं। इसलिए बी फास्ट हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ हार्ट का बीपी, हार्ट के चक्कर में अगर टाइम वेस्ट हो गया तो गोल्डन पीरियड जो है हमारा निकल सकता है पब्लिक में, ये हमारा मैसेज हम देना चाहते हैं। कारण क्या रहते हैं किस वजह से? देखिए, जो रिस्क फैक्टर्स दोनों बीमारियों में काफी कुछ तो कॉमन है, हाइपरटेंशन, हमारी सोसाइटी में इंडियंस में हाइपरटेंशन, डायबिटीज का लेवल बहुत ही हाई है, संभव हम लोग ज्यादा प्रोन है, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, उसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन छोटा सा ड्रिंक करने से भी हमारी इंडियन बॉडी अलग है जी, रिस्क बढ़ जाता है, स्मोकिंग तो सबको पता ही है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट होना, एंड फूड हैबिट्स, जो बाहर का हम खाना खाते हैं सब अनहेल्दी का बढ़ जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स ज्यादा लेना, रात का खाना हल्का होना, तला हुआ नहीं खाना या घर में ही खाना, और ये सब शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दे आर ऑल वेरी अनहेल्दी। सच्चाई तो ये सिर्फ पानी सेफ और घर का खाना अच्छा है, दैट्स अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। सैलड ज्यादा खाना और नॉनवेज भी खाना है तो फिश या चिकन लेना, नॉट दी मीट लेना, ये सब डाइट हमारी जो ड्रास्टिकली चेंज हुई है। कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स आ गए, एयर पोल्यूशन इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, स्ट्रेस जो बढ़ गया है, हम लोगों ने कम सोना शुरू कर दिया है, रात को टीवी फोन में लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, 2 घंटे से ज्यादा आप स्क्रीन न हो टाइम मेजर करते हैं, आजकल ज्यादा तक फोन भी दिखाते हैं, उससे स्ट्रोक का रिस्क हर एक घंटे बढ़ने में 20% स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आप फिर बेड पे ज्यादा रहते हो, लोगों से मिलने चलने नहीं जाते हो, स्नैक ज्यादा खाते हो फोन पे पड़े पड़े, और दिमाग गलत तरफ ज्यादा चलाते हैं, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे भी ये सब मॉडर्न रिस्क फैक्टर है। तो हमारे इंडिया में हमने देखा यंग स्ट्रोक 20% स्ट्रोक 40 और कम उम्र में होने शुरू हो गए, और यंग स्ट्रोक की रेट जो है इन सब फैक्टर्स के मारे, मॉडर्न रिस्क फैक्टर जो खासतौर से आ गए, यंग लोगों में स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। सिम्टम्स की बात की, हमने कारणों की बात की, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इसके बचाव जैसे मैंने बताया, जो कारण है उसी को हमें अवॉइड करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना, डायबिटीज अवॉइड करना, हेल्दी लाइफ रखनी, डायबिटीज होने के चांस कम हो जाए, डायबिटीज हो जाए तो उसको कंट्रोल में रखना, दवाइयों से ना छेड़ाखानी नहीं करना, हमारे लोगों में बड़ा जी नेचुरल ट्राई करते हैं, अरे भाई हम भी तो एसी में बैठे हैं, लाइफ में बैठे हैं, कोई नेचुरल नहीं है, यूज करते हैं दवाई, एक बार बीपी की है तो जिंदगी भर खानी है, सोचिए मत उस बारे में। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, हेल्दी खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 1.5 घंटा ब्रिस्क वॉक, अच्छी एक्सरसाइज करना, और अपना वेट कंट्रोल में रखना, स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल करें, रात को प्रॉपर स्लीप टाइम करें, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं, पर्टिकुलर रात को नहीं, उसको जितना भी कम कर सकें, ये सब फैक्टर्स से हम लोग स्ट्रोक, 70% ऑफ स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटेड, और प्रिवेंशन इज द बेस्ट, ह्यूमन बॉडी भगवान ने बनाई हुई है, रिपेयर करने की इंसान को ना जरूरत पड़े तो बेस्ट है। योगा से भी बचा जा सकता है? योगा हेल्प करती है जी, योगा थोड़ा ब्लड प्रेशर हेल्प करेगी, थोड़ा हेल्दी एक्सरसाइज है, पर ये नहीं होना चाहिए कि आपने बीपी की दवाई छोड़ दी कि मैं योगा कर रहा हूँ, दवाई खाइए, हल्का बीपी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्ट कम करने से और योगा करने से कंट्रोल में आ जाए, पर तब भी हाई है तो बीपी की दवाई लेते रहिए प्लस योगा करिए, योगा बहुत अच्छी टेक्निक है जी, स्ट्रेस लेवल भी कम करती है, बॉडी के लिए भी हेल्दी है,
सबको में हेल्प करती है, बट दैट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर अदर थिंग. यानी कि योगा किया और रात को ड्रिंक किया, दैट विल नॉट वर्क. ऐसे कौन से फूड है जो बीपी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये सॉल्ट कम रखना और रेगुलर एक्सरसाइज करना और वेट को कम रखना और थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर कम करना. तो हमारे रिस्क फैक्टर बढ़ गए, हमारा जो खान पान लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, तो हाइपरटेंशन डायबिटीज का रेट बढ़ता जा रहा है. हमारा खाना, बाहर का खाना और एक्सेसिव खाना, सडनली एक जनरेशन बहुत चेंज हुआ है. ड्रिंक की आदत ज़्यादा बढ़ गई है, स्मोकिंग भी कई युवा करते हैं स्ट्रेस के मारे, एयर पोल्यूशन और स्ट्रेस ज़्यादा होना, सोना कम हो गया. मेरे अपने बेटे हैं, रात को फोन पे लगे रहते हैं, लोग सोना कम हो गया, ये सब रीज़न है जिससे यंग एज में स्ट्रोक बढ़ रहा है. तो आजकल स्ट्रोक फैक्टर स्क्रीनिंग 30 साल की उम्र के बाद ही अपना पूरा चेकअप कराना जरूरी है, यानी कि 50 साल के बाद ही.